नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ हूं सुभाष। आप देख रहे हैं शुभ प्रिडिक्शन। मैं सुभाष आप सभी को स्वागत करता हूं शुभ प्रिडिक्शन की और एक प्रिडिक्शन वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है। दोस्तों TNPL की लीग स्टेज की कुछ ही मुकाबले बचे हुए हैं। इस सीजन की 28वां मुकाबला नेल्लाई रॉयल किंग्स और वेलसी ट्रिची के बीच में खेला जाएगा। इस मैच रिलेटेड तमाम अपडेट आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड कंपैरिजन, सेशन की अपडेट से लेकर हम बहुत सारे अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथों साथ इस मैच में कौन सी टीम परचम लहराता हुआ दिखेगा, इन तमाम चीजों को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जुड़े रहिए दोस्तों आप हमारे साथ, हम करने वाले हैं इस मैच की बहुत सारे बात। शुरू करते हैं इस मैच की डेट और टाइम से। दोस्तों ये मैच आपको 5 जुलाई 2023 इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पे शुरू होता हुआ दिखेगा। कहां पर? इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड पर। अगर हम बात करें वेन्यू की एनालिसिस की, वीडियो में आगे चल के पूरी एनालिसिस करने से पहले आप यार सभी क्रिकेट मैच से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हम आपको बताएंगे कौन सी टीम टॉस जीतेगा, कौन सी सेशन एस होगा, कौन सी सेशन नॉट होगा, टॉस सेशन विकेट कॉल जैकपॉट विनर टीम। इन सारे प्रिडिक्शन से आप ढेर सारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप बिना बग गवाए हमारे टेलीग्राम को बिंदास ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बना इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिख दीजिए, टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करवा देंगे। शुरुआत करते हैं वेन्यू एनालिसिस से। इस ट्रैक पर दोस्तों 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से फास्ट बैटिंग करने वाली टीम 60% मैच में विन करते हुए देखने को मिले हैं। 40% मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम अपने नाम कर चुके हैं। एवरेज स्कोर पहले इनिंग्स में 162 का रहता है, सेकंड इनिंग्स में 141 का रहता है। हाईएस्ट स्कोर लाई का कोबाई किंग का है 208 पर 5 विकेट। यहाँ पे लोएस्ट स्कोर चेपक सुपर गिलिस की रही है 71 पर 10 विकेट। अगर हम पिच की बिहेवियर के ऊपर बात करें, ये पिच बोलिंग फेवर पिच रही है। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों का ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है। अभी तक इस पिच पर स्पेस गेंदबाज 53 विकेट लेते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाज यहाँ पे 60 विकेट लेते हुए देखने को मिले हैं। अब चलिए हम आपको सेशन की जानकारियां दे देते हैं। देख लेते हैं इस मैच में हमें क्या क्या सेशन देखने को मिलने वाला है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दें, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सेशन की अपडेट को देखें तो आपको यहाँ पे पहले का 6 ओवर में 45 से 50 के आसपास रन देखने को मिलेगा। 10 ओवर में आपको यहाँ पे 70 से 75 के करीब देखने को मिलेगा। 15 ओवर में आपको यहाँ पे 110 से 115 के आसपास देखने को मिल जाएगा। आखिरी के 20 ओवर तक आपको यहाँ पे 160 के आसपास रन हमें देखने को मिल जाएगा। इस मैच में आपको ऐसा ही कुछ सेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें से कौन सी सेशन एस होगा, कौन सी सेशन नो होगा, उसकी करंट अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगा। दोस्तों ऐसा है कि हम जो मैच विनर वीडियो में देते हैं, कभी कभार क्या होता है ना, आखिरी मोमेंट में प्लेइंग 11 में बदलाव होता है तो उसको नजर रख के हमें मैच विनर भी चेंज करना पड़ता है। आखिरी मोमेंट में मैच विनर चेंज होता है तो उसका वीडियो तो हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। यार हमारे टेलीग्राम पर आपको दुनिया भर का प्रेडिक्शन मिलता रहता है, तो याद से हमारा टेलीग्राम को पहले ज्वाइन करिए। ये तो हो गए वेन्यू एनालिसिस। अब बढ़ते हैं दोनों टीम की ओर। चलिए सबसे पहले देखेंगे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल की पोजीशन को। दोस्तों यहाँ पे नेल्लाई रॉयल किंग्स इस सीजन में टोटल 6 मैच खेले हैं। इन 6 मैच में से 4 मैच अपने नाम कर चुके हैं, 2 मैच में इनको हार झेलना पड़ा है। 8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है। अगर हम बात करें वेलसी ट्रिची की, वेलसी ट्रिची का अभी तक इस सीजन में खाता खुला ही नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी 6 मैच खेल चुके हैं, 6 के 6 मैच में इनको शर्मनाक हार मिल चुका है। यहाँ पे यार दोनों टीम को क्या कंपेयर करें, एक तो बड़ा टीम है पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है, दूसरे में वेलसी ट्रिची का अभी तक खाता खुला ही नहीं है। इस मैच में भी ऑब्वियसली नेल्लाई का पकड़ा भारी दिखेगा। चलिए इन दोनों टीम के हेड टू हेड की कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है। अभी तक यार इन दोनों टीम के बीच में एक भी मैच खेला नहीं गया, ये दोनों टीम पहली बार इस सीजन में भिड़ रहे हैं। आपको पहले से ही बता चुका हूँ नेल्लाई रॉयल किंग्स की टीम वेलसी ट्रिची के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखेगा। अगर हम बात करें दोनों टीम की लास्ट 5 मैच की फॉर्म की, यहाँ पे नेल्लाई रॉयल किंग्स की टीम 5 मैच में से 3 मैच में बढ़त हासिल किए हैं, 2 मैच में इनको हार झेलना पड़ा है, लेकिन वेलसी ट्रिची लास्ट के 5 मैच में से एक भी मैच में जीत नहीं पाए। इन लास्ट के 5 मैच की रिपोर्ट में भी नेल्लाई टीम की परला भारी दिख रहा है। और यार इन दोनों टीम को कंपेयर करके भी देख लेते हैं कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे दोस्तों दोनों टीम की 10-10 मैच की बात करें तो यहाँ पे नेल्लाई रॉयल किंग्स की टीम 10 मैच खेले हैं, 50% मैच में विन किए हैं, यानी कि 5 मैच में विन किए हैं, लेकिन वेलसी ट्रिची 10 नहीं 6 मैच खेले हैं, 6 मैच में से विनर के हिसाब से अभी तक 0% में है, एक भी मैच में विन नहीं कर पाए। एवरेज स्कोर नेल्लाई टीम की 163 रही है, ट्रिची की एवरेज स्कोर 117 रही है, हाईएस्ट स्कोर नेल्लाई की 236 रही है और ट्रिची की हाईएस्ट स्कोर 155 रही है। लोएस्ट स्कोर में नेल्लाई की टीम 124 पर है, लेकिन यार वेलसी ट्रिची की लोएस्ट स्कोर 71 है। इन 10 मैच की रिपोर्ट में भी एक क्लियर हो जाता है। ऐसे में इस मैच में नेल्लाई रॉयल किंग्स वेलसी ट्रिची की बहुत बुरी हालत करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अब चलिए टीम्स की ओर चलते हैं और देख लेते हैं इनके प्लेइंग 11 में कौन से जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद है। पिछले मैच में इन दोनों टीम की तरफ से जो जो खिलाड़ी खेले थे वो ही प्लेइंग 11 रहने वाली है, या फिर प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हुआ है। वेलसी ट्रिची की प्लेइंग 11 की तरफ से देखेंगे टी सरान, जी एस राजू, डी फरारियो, ए दास,
दास, आर राजकुमार, एस विनोद, जी गौरसेन, आर सिलंबरन, के ईश्वरन, ए डेविडसन, ये सारे खिलाड़ी आपको नजर में आ सकते हैं। वेल ए होती है बात वेल सीट रिची की। अब बढ़ते हैं इनके ऑपोजिट नेल्लाई रॉयल किंग्स की ओर। इनके प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नजर में आएंगे ए कार्तिक के साथ आर एस नटराजन, एन एस राजगोपाल, जी अजितेश, आर ईश्वरन, आर एस यादव, एन एस हरीश, एल सूर्य प्रकाश, एम पोयमजाई, एस एम प्रसाद, एस वारियर, ये सारे खिलाड़ी नेल्लाई के तरफ से आपको नजर में आएंगे। वेल दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज जानने को मिली। पहले तो यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिली कि इस पिच पर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगा उस टीम का दबदबा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांस है कि यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम इस मैच को विन करेगा। इस पिच में पहले इनिंग्स में बल्लेबाजों का बल्ला चलता है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो पिच है बॉलिंग फेवर पिच है, जिस टीम का गेंदबाज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस टीम के गेंदबाज उस मैच को भी अपने नाम कर सकते हैं। दोस्तों यही तक थी इस मैच की एनालिसिस। अब चलिए इस मैच की प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। आज की प्रिडिक्शन दोस्तों ये है, इस मैच को इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन करने वाला है। अभी तक आप और हम मिलकर जितने भी डिस्कस कर चुके हैं, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड कंपैरिजन, टीम कंपैरिजन, सब कुछ देखने के बाद हमारे तरफ से इस मैच की विनर टीम नेल्लाई रॉयल किंग्स ही रहने वाला है। दोस्तों हमने तो हमारे तरफ से हमारे विनर टीम दे दिए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस मैच को इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन कर पाएगा? आपकी कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।